हाँ तो दोस्तों, आज बात करेंगे फार्मटेक 50 EPI के बारे में। हमारे पास ट्रैक्टर आया है कि इसका जो क्लच है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टाइट दब रहा है, तो अब इसको खोल के चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। इसका जो क्लच है पूरा दबने के बाद इसके गियर आ रहे हैं, जैसे इतना दबने पर इसके गियर आना चाहिए, जो हमारा मेन गियर है वो इतना दबने पर आ जाना चाहिए, पर इसको कितना दबाना पड़ रहा है, फुल दबता है जब जाके, मतलब पूरा क्लच दबने के बाद ही इसके गियर आ रहे हैं। तो अभी इसको खोलेंगे, खोल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो वीडियो पूरा देखना, तभी आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके फिंगर सेटिंग क्या रहते हैं वो भी बताएंगे आपको, इसका जो फिंगर सेटिंग है कंपनी क्या बताती है और क्या रखना चाहिए वो भी बताएंगे। अभी इसको दो कर लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रेशर प्लेट खोल के दिखाएंगे। वैसे प्रॉब्लम तो हमें पता पड़ चुकी है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको। इसका जो क्लच है किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे हम क्लच दबाएंगे तो आप देख रहे होंगे इसकी जो पीटी वाली जो प्रेशर प्लेट है वो फ्री हो रही है, बाकी मेन वाली नहीं हो रही है। मेन वाली कब होती है, जब इसको पूरा दबाते हैं तब जाके इसकी मेन वाली जो क्लच प्लेट है वो फ्री होती है। तो इसमें जो फिंगर ऊपर होना चाहिए वो तो नीचे है, और जो फिंगर नीचे होना चाहिए वो ऊपर है। तो अभी एक बार इसको खोल लेते हैं, फिर अच्छे तरीके से दिखाते हैं आपको इसमें क्या वजह है। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसके दो पार्ट किए हैं, अब आपको दिखाएंगे इसमें वजह क्या है। ये इसका पीटी वाला फिंगर है जिससे हमारा पीटी गियर ऑपरेट होता है, और ये हमारा मेन फिंगर है जिससे हमारा ट्रैक्टर ऑपरेट होता है आगे पीछे, और ये पीटी वाला है। तो ये ड्यूल क्लच है, तो ड्यूल क्लच में क्या सिस्टम रहता है कि हमारा जो पीटी वाला फिंगर है वो नीचे रहेगा, और इसकी जो मेन क्लच प्लेट का जो फिंगर है वो ऊपर की ओर रहेगा। इसमें ये सिस्टम दिया है कंपनी ने, तो ये इस तरीके का हो चुका है। जो अभी डबल क्लच आ रहे हैं उसमें पीटी ऊपर आता है और मेन वाला नीचे आता है, तो इसका सीधा सा कारण है कि इसकी जो पीटी वाली क्लच प्लेट है ये पूरी तरीके से घिस चुकी है। अभी इसको खोल लेते हैं, खोल कर दिखाते हैं आपको इसकी किस कैसी कंडीशन निकलती है पीटी क्लच प्लेट की। खोल लो, तभी हमने इसकी प्रेशर प्लेट बाहर निकाली है। इसके तीन नट खोलना हमें, 14 नंबर। ये नट खोलने के बाद इसकी जो मेन प्रेशर प्लेट है बाहर की ओर आ जाएगी, तो इसको खोल लेते हैं जल्दी से और फिर दिखाते हैं इसकी क्लच प्लेट कहाँ है। वो इधर ला, इसकी मेन जो क्लच प्लेट है ये वाली है, ये तो ठीक दिख रही है, फिर इसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। बाकी इसकी पीटी वाली जो क्लच प्लेट है वो पूरी तरीके से खराब है, अब उसको निकाल लेते हैं बाहर। अब इसकी तीनों नट खोल के इसकी प्रेशर प्लेट बाहर निकालेंगे, जो इसकी मेन प्रेशर प्लेट है। उसके बाद इसकी ये जो डायफ्राम है जो हमारे क्लच प्लेट को डिसएंगेज करती है, उसके बाद इसकी ये पीटी वाली प्रेशर प्लेट निकाल ले बाहर। और उसके बाद ये इसकी पीटीओ की क्लच प्लेट है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म है, रिपटें भी आ चुकी है इसमें, रिपटें भी की वजह से और क्या नुकसान हुआ। इसको पलटो, इसको पलट, तो एक तो इसकी ये प्रेशर प्लेट खराब हो चुकी है जो कि पीटीओ की प्रेशर प्लेट है, और हमारे जो मेन हाउसिंग है इस पर भी इसमें स्क्रैच आए हैं, आप देख सकते हैं इस पर भी हल्के फुल्के इसमें स्क्रैच है, तो इस पर भी हमें मामूली सा इसमें कट लगवाना पड़ेगा,
तभी जाके ये सही रहेगा, क्योंकि नए क्लच प्लेट तो डाल देंगे पर हल्का था इसमें, इस जगह स्क्रेच है तो इसको भी हमें सही करवाना पड़ेगा। तो क्लच टाइट दबने की इसमें ये प्रॉब्लम निकली है। वैसे तो क्लच टाइट होने की बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फार्मटेक 50 EPI। तो अभी हमें इसमें प्रॉब्लम पता पड़ी, इसकी जो पीटीओ की क्लच प्लेट है पूरी तरीके से ख़राब है। तो अच्छी तरीके से हम इसकी सफाई कर लेते हैं, फिर इसको फिटिंग करके इसका जो फिंगर सेटिंग कितने पे होता है, कितने एमएम इसको रखना है, वो फिंगर सेटिंग बताएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, तभी इसको आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हेलो दोस्तों, अभी हम इसकी एक तो क्लच प्लेट लेकर आए हैं, पीटीओ क्लच प्लेट 2921 रुपये की इसकी क्लच प्लेट है फार्मटेक की। और इसकी ये प्रेशर प्लेट है, ये सोनालिका के पैक में है, पर ये लुक की है जो इसमें निकली है, लुक कंपनी की है जो इसमें निकली है, लुक का वही लुक कंपनी की इसमें प्रेशर प्लेट है। तो दोनों चीज़ें नहीं डालेंगे। और इस पर कट लगवाया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस पर भी कट लगवाया है। तो इस पर कट लगाना क्यों ज़रूरी होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जो भी मैकेनिक है वो जानते हैं इसमें कट क्यों लगाते हैं, और ये कट लगाना चाहिए, लगाना ज़रूरी है या नहीं है वो भी मुझे आप बताना। तो सबसे पहले हम इनमें थोड़ा थोड़ा साइडों पे इनमें ग्रिस लगा देंगे ताकि ये स्मूथ चले। इस तरीके से इस पर ग्रिस लगा लेना है, फिर इसको फिटिंग करेंगे। किस तरीके से फिटिंग होता है, इस तरीके से इसमें पहले ग्रिस लगा लेना, उसके बाद ये जो क्लच प्लेट है इस पर लिखा हुआ होता है कि ये कैसे लगेगी। तो इस पर यहाँ लिखा हुआ है फिराविल साइड, तो ये जो हमारा हिस्सा है ये फिराविल की तरफ रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। इसको बराबर करके और ऐसे लगा देना है। उसके बाद इसकी प्रेशर प्लेट लगाएंगे, तो इसके जो एलेंकी वाले बोल्ट है वो निकाल के हम इनमें लगा लेते हैं। उसके बाद इसको लगाना है, इस पर भी हल्का हल्का ग्रिस लगा देंगे ताकि जो हमारी प्रेशर प्लेट है, कंपनी ने इसमें ट्रैक्टर तो बड़ा दिया है मेरे हिसाब से, पर जो ये क्लच प्लेटें हैं ये जो नए मॉडल में आ रही है पंखड़ी वाली, वो देना चाहिए दोनों क्लच प्लेटें, या फिर इसको 12 इंची करना चाहिए, तब जाके जो हमारा ट्रैक्टर है वो क्लच प्लेट लॉन्ग लाइफ चलेगी, मतलब ज़्यादा सर्विस देगी। अब इसे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के लिए ट्रैक्टर खुला है, ट्रैक्टर में प्रॉब्लम थी कि ट्रैक्टर का जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा हार्ड दब रहा था, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रही थी। तो इसमें मैं ये एलिंकी स्क्रू लगा लेता हूँ पुरानी के खोल के। तो ये पीटीओ वाली प्रेशर प्लेट में एलिंकी बोर्ड लगा लिए है कि इसका तार ये भी इसमें कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है पुरानी में से निकाल के। उसके बाद ये जो प्रेशर प्लेट वाले फिंगर है इसको इसमें कुछ इस तरीके से बिठा लेंगे। तो इस तरीके से इसको इसमें बिठा लेना। उसके बाद ये डायफ्राम वाली जो स्प्रिंग है जो हमारे क्लच प्लेटों को डिसएंगेज करती है, तो उसके बाद ये लगा लेंगे, ये कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगी। इसके बाद जो इसकी मेन प्रेशर प्लेट है उसको लगाना है हमें, और इसमें थोड़ा ग्रिस लगा लेंगे यहाँ ताकि जो हमारी प्रेशर प्लेट है और बिल्कुल फ्री चलेगी। तो कुछ इस तरीके से इसको
इसको इस तरीके से लगाने के बाद इसके जो नट है वो अटका लेंगे इसमें, फिर इसका जो फिंगर सेटिंग है वो दिखाएंगे आप लोगों को, इसका फिंगर सेटिंग कितना रखती है कंपनी और कितना रखना चाहिए। तो अभी हमें इसकी प्रेशर प्लेट इस पर लगा ली है रॉयल पे, इसके बाद हम इसका सेटिंग करेंगे। पहले एक बार इसको नाप लेते हैं इसका सेटिंग कितना आ रहा है, अभी इस तरीके से नापना है, वर्नियर से भी नाप सकते हो, डेप्थ गेज से भी नाप सकते हो। इसका सेटिंग आ रहा है अभी 42, मतलब 42 आ रहा है इसका, तो ये वाला सेटिंग रखना है हमें 34 mm, और मेन फिंगर का रखना है 42 mm। तो इसको एक बार सेट कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं पीटी वाले को, इस तरीके से करना है। तो इसका पीटी का सेटिंग करना है, तो इसकी ये जो नट है इसको ढीला कर लेना है, उसके बाद हल्का सा इसको डाउन करेंगे, हल्का सा इस तरीके से लॉक कर देंगे, और एक बार इसको नाप के देखेंगे कि इसका जो सेटिंग है वो क्या आ रहा है, किस तरीके से नाप रहा हूँ वो भी आप लोग ध्यान रखना किस तरीके से इसकी। तो अभी ये ज़्यादा डाउन हो गया है, ये हो गया है 32 mm। तो अगर आप चाहो तो इसको 32 और इस वाले को 40 mm पे रख सकते हो, तो आज हम यही करेंगे, इसको रखेंगे 32 और इसको रखेंगे 40 mm, कुल मिला के 8 mm का डिफरेंस होना चाहिए। कंपनी बोलती है इसको 34 और इसको 42 mm, मतलब 42 mm, तो इसको हम 32 रखेंगे और इसको 40 रखेंगे, फिर देखते हैं इसकी जो क्लच। अभी ये 32 आ रहा है, तो हैमर से छोटो हल्की सी इसमें हैमर से इसको चेनों को बराबर रखना है, तभी जाके बिल्कुल बराबर 32 आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको इस तरीके से नाप लेना है, 32 mm आ रहा है, और ये वाला रखेंगे हम 40 mm। तो ये आ रहा है अभी हमारा 39 mm आ रहा है, तो इसको 40 करेंगे। ये इसका मेन फिंगर है जो कि लंबा, इसमें नट होता है और इसमें लंकी नट होता है, इसमें ये आ रहा हमारा 34 mm आ रहा है, 34.5 आ रहा है, तो इसको हम 40 करेंगे। कैसे करना है, 14 का फिक्स पाना लेना है और इस तरीके से इसको, अगर इसको कसेंगे तो हमारा जो फिंगर है ऊपर आएगा, यहाँ दिखाओ, इस तरीके से इसको कसेंगे तो फिंगर ऊपर आएगा इस तरीके से, और इसको अगर खोलेंगे तो हमारा फिंगर नीचे जाएगा। तब आप लोग बताना ये जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ कमेंट में सही है या गलत है। 41 हुआ है तो इसको 40 कर लेंगे बराबर, हल्का सा इसको इस तरीके से लूज करेंगे, जितना आप इसको लूज करोगे उतना ये डाउन होगा, और जितना आप इसको कुल मिला के आपको 8 mm का इसमें गेप रखना है। तो अभी बराबर 40 mm आ रहा है, दिख रहा है बराबर ये 40 mm आ रहा है, वर्नियर से भी नाप सकते हो, डेप्थ गेज भी है मेरे पास, उससे भी नाप सकते हो, ये डेप्थ गेज भी है हमारे पास, तो इससे भी हम इसको इस तरीके से डेप्थ गेज को रख के इससे नाप सकते हैं, ये बराबर 40 mm आ रहा है। तो मेन फिंगर को बराबर तीनों को 40 mm करेंगे, और इसके जो पिटी वाले फिंगर है इनको 32 mm रख लेंगे,
फिर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे क्या आती है। तो इसी तरीके से हमें इसका सेटिंग कर लेना है, फिर ट्रैक्टर कंप्लीट करके और क्लच दबा के चेक करेंगे कि इसके क्लच में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। हमारे जो ट्रैक्टर ओनर है क्या बोलते हैं इसके बारे में, जो हमारा काम है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसका हमने रखा है 32 mm और इसका रखा है 40 mm, 2 mm हमने कम रखा है। वो आप लोग कमेंट करके बताना क्यों रखा है, चलेगा नहीं चलेगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो अभी इनके सभी का सेटिंग कर लेते हैं, फिर इसका क्लच ज्वाइंट करके और इसका क्लच चेक कराएंगे आप लोगों को। और इन नटों को लॉक कर देना इस तरीके से, ये भी लॉक होगा और ये वाला भी लॉक होगा। ये वाला अगर वैसे लॉक नहीं हुआ तो इसको खोल के और या तो आप यूपिक्स डाल देना या हल्का सा उसमें लॉकपन आता है उससे भी लॉक कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप इसको लॉक कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसको स्टार्ट करके चेक करके देखेंगे। क्लच इसका बिल्कुल फ्री हो चुका है, जो ओरिजिनलिटी जो कंपनी से आता है उसी तरीके का इसका क्लच हो चुका है। अब इसका गियर चेक कर लेते हैं एक बार। गियर बिल्कुल ओके आ रहे हैं और क्लच भी इसका फ्री हो चुका है। वैसे तो क्लच टाइट होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं कि क्लच टाइट होने के बहुत सारी वजह होती है और बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से एक वजह आज ये निकली कि इसकी पिटू शाफ्ट की जो क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हमारा जो क्लच है बहुत ज़्यादा टाइट दब रहा था। फार्मटेक 50 EPI। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।